जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 का। हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल का पेपर है ये। जो पेपर है क्लास 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर है, यही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है 1 अप्रैल को। ओके, 1 अप्रैल को आएगा तो समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। कितना रहेगा? 2 घंटे 30 मिनट। ओके, यह आपको ध्यान रखना है। और हम आपको बता देते हैं 80 नंबर पूर्णांक। यदि आप दोस्तों इस पेपर को रट लेते हो तो आपके 80 में से दोस्तों 80 नंबर आएंगे। ओके, तो हम पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन सहित बताने वाले हैं। ओके, सॉल्यूशन सहित बताएंगे, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके और जो बाकी पेपर बचे हैं वह भी आपको सबसे पहले मिल पाए। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, 2024 का पेपर है, बोर्ड एग्जाम 2024 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, तो पहला प्रश्न देख लीजिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसको। तो प्रश्न संख्या 1, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो ईंधन के अपूर्ण दहन से, देखिए अपूर्ण, पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, अर्थात ये काला धुआं के लारे जलती है। काला धुआं के लारे, किसके लारे? काला धुआं, अपूर्ण धुआं, अपूर्ण दहन होता है ना, तो इसलिए होता है। इसमें काला धुआं होगा तो ऑक्सीजन है जो काला धुआं के साथ नहीं जलती है। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन है वह भी काला धुआं के साथ नहीं जलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी नहीं जलती है। ओके, तो हमारा राइट उत्तर की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, इसका राइट उत्तर। तो देखिए यहाँ पर आप क्या भर देंगे, इसमें दे ऑप्शन भर देंगे। दे ऑप्शन भरेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, क्योंकि ये पूछ सकता है आगे पेपर में। तो मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। क्या है दोस्तों? CO। चलिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में दे रखा है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न आ गया, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? LPG आता है, या CNG आता है, या कोयला आता है, या पेट्रोलियम आता है? ओके, तो देखिए यहाँ पर घरों में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों CNG का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, यहाँ पर इसमें ये गलत लग गया है हाईलाइटर। ओके, तो यहाँ पर LPG आप इसमें राइट उत्तर लगाइए। ओके, क्या लगाएंगे? LPG। ओके, LPG आपको ध्यान रखना है, घरों में LPG का प्रयोग किया जाता है। CNG क्या है ये दोस्तों? यहाँ पर जो ये टैक्सी रिक्शा वक्शा चलते हैं ना, उनमें ये CNG का प्रयोग किया जाता है। ओके, और पेट्रोल, ओके, और ये पेट्रोल का भी दोस्तों गाड़ियों में किया जाता है। यहाँ पर कोयले का क्या, किस में किया जाता है? ट्रेनों में। ओके, ट्रेनों में कोयले का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न मिलेगा, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? ओके, तो कागज का पुनः उपयोग करेंगे, या दोस्तों कागज का पुनः चक्रण करेंगे, या कागज की बचत करेंगे? ओके, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके आपको राइट उत्तर बता देते हैं, उससे पहले आप एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने वाले को PDF आपको हम दे देंगे। ओके, तो इसका राइट उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न आएगा, आवर्ती का मात्रक है, आवर्ती का मात्रक क्या है? सेकेंड है, या मीटर है, या हर्ट्ज है, या न्यूटन है? तो राइट उत्तर आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। तो यहाँ पर आप इसमें क्या भरेंगे? से ऑप्शन भर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पांचवा प्रश्न आ गया, इसमें आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप क्या अपने मित्र को निम्न सुझाव देंगे? ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला है इसमें, टेलीविजन तथा रेडियो को, रेडियो की ध्वनि प्रबल कम कर, प्रबलता कम करना, या औद्योगिक मशीनों को शहरों से दूर लगाना, यहाँ पर वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना। ओके, या उपयुक्त सभी।
तो राइट उत्तर की बात करें तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप उत्तर क्या लगाएंगे? दे ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताने से पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और यहाँ पर आपको सभी विषयों के पेपर मिलने वाले हैं इस चैनल पर। आपकी चाहे क्लास 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी विषयों के पेपर मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? ओके, तो विद्युत का सुचालक, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों विद्युत का सुचालक कौन सा है? यहाँ पर रबड़ है या एल्युमिनियम है या लकड़ी है या प्लास्टिक है? तो विद्युत का सुचालक आपको बताना है। क्या बताना है? सुचालक। तो सुचालक पे आपको ध्यान देना है, या हाइलाइटर वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ आपको उत्तर बताने के लिए बताया गया है। ओके, ये बिल्कुल गलत है यदि आप इसको सोच रहे हो तो। ओके, तो राइट उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा। ओके, जिसका फॉर्मूला Al होता है। ये क्या है? हाइलाइटर आपको पागल बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, यदि आप इसको देखेंगे तो आपका ये राय प्रश्न है जो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट उत्तर आप क्या लगाएंगे? एल्युमिनियम लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सातवां प्रश्न आ गया है, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल और पहिए की रिम। ओके, क्रोमियम की धातु का लेपन क्यों किया जाता है? क्रोमियम चमकदार होती है या क्रोमियम यह संक्षारित नहीं होती? यह खरोंचा का प्रतिरोध करती है या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर यह संक्षारित नहीं होती है। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपने यदि अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ओके, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आठवां प्रश्न। आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं कर सकते? तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्लास्टिक स्केल को, फूला हुआ गुब्बारा या तांबे की वस्तु या ऊनी स्वेटर? तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें के राइट उत्तर कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, कमेंट में आपको लिख देना है क्वेश्चन संख्या 8। ओके, क्वेश्चन संख्या 8, और इसमें के ऑप्शन कौन सा? या ए हो तो ए लगाना है आपको, बी हो तो बी लगाना है, और सी हो तो सी लगाना है, या डी हो तो डी लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 9 से 12। 9 से 12 जो प्रश्न है वह अति लघुतरात्मक आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला देखिए यहाँ पर आपके इसमें नवा प्रश्न आएगा, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। ओके, यहाँ पर दे रखा है मोट, ड्रिप तंत्र, ढेकुली, ओके ढेकली, और छिड़काव तंत्र और रहट। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको? इनको लिखना है। ओके, पारंपरिक और आधुनिक या आपको लिखना है। ओके, तो इनको आप आसानी से लिख पाएंगे। ओके, ये क्योंकि लिख पाएंगे आपको, ये सरल है। ओके, सरल होने के नाते आप इनको आसानी से लिख सकते हो। और देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आएगा, प्रतिजैविक औषधियों, ओके, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण से आप किसका उपयोग करेंगे? ओके, तो ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका आपको उत्तर भी आप देख सकते हो। ओके, वह आप मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप याद करके ही जाना, इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। ओके,
आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। ओके, यहां पर क्या बता देता हूं आंसर, तो देखिए यहां पर दोस्तों एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी, सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी, एलपीजी और सीएनजी, सीएनजी। देखिए यहाँ पर पहले जो प्रश्न आया था उसमें घरों में कौन सी गैस उपयोग ली जाती है, तो एलपीजी, एलपीजी उपयोग ली जाती है। तो हम एलपीजी का नाम जानते हैं, सबसे पहले एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, यानी कि दोस्तों द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद है सीएनजी, सीएनजी का है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, संपीड़ित, मैं आपको लिख देता हूं संपीड़ित, संपीड़ित प्राकृतिक, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको आप आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद है पहला है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आपको कैसे, किस प्रकार लिखना है, द्रवीकृत। ओके, यहाँ पर देखिए द्रवीकृत। ओके, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें द्रवीकृत पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम गैस। ओके, ये आपको लिखना है इस प्रकार, क्योंकि ये दोस्तों 1 अप्रैल को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 12, खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए इसमें आप उत्तर क्या लिखेंगे, क्योंकि, ओके, क्योंकि जूते, ओके, जूते और जमीन के मध्य घर्षण, ओके, क्या लिखेंगे आप इसमें, जूते और जमीन के मध्य घर्षण का मान कम होता है। ओके, क्या होता है मान दोस्तों, कम होता है, इस प्रकार मैं आपको एरो लगा रहा हूं। देखिए क्योंकि जूते और जमीन के मध्य जो घर्षण बल होता है उसका मान कम हो जाता है। देखिए यहां पर यह कोई जमीन है, ओके, और यहां पर खिलाड़ी ने जूते पहन रखे। ओके, तो जूता देखिए किस प्रकार का होगा, इस प्रकार है। देखिए तो इनमें जो यहाँ पर ये कीलदार होते हैं ना, तो क्या है कि इनके मध्य घर्षण का माल बहुत ही कम होगा। ओके, यदि यह माना ये जूते हैं जो ये कुछ इस प्रकार है, ओके, इनके मध्य जो घर्षण लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ओके, इसलिए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद, और यहाँ पर दोस्तों रबी की फसल और थ्रेसिंग। तो रबी की फसल देखिए यहाँ पर ये हो जाएगी चावल और मक्का, और रासायनिक उर्वरक कार्बनिक खाद में तो आपको ये लगाना है, और उर्वरक में आप देखिए क्या लगाएंगे ये, और थ्रेसिंग में आपको लगाना है, ये हो जाएगा आपका पहला। ओके, तो उत्तर देख लीजिए आप। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, चौदवा प्रश्न, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। ओके, स्थिरीकरण में राइबोजियम, ओके, राइबोजोबियम, ओके, राइबोजोबियम
जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप दोस्तों संजीव पासबुक या एक्सीलेंट पासबुक में के देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 15वां प्रश्न आएगा, ये आपके इसी प्रकार का आएगा, 15वां 4 नंबर का आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर पहला दे रखा है, इसमें सत्य असत्य लिखना है आपको। ओके, तो पहले में देखिए के जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है, तो यहाँ पर आप इसमें उत्तर लगाएंगे सत्य, यानी कि सही का निशान। ओके, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा, कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा ये आपके गलत। ओके, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये दोस्तों यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, पैराफिन मोम का उपयोग, ओके, मरहम मोमबत्ती हुए वैसलीन, ओके, आदि को बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा आपका सत्य। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपको अंतर बताने, दो अंतर। ओके, दहन और ज्वाला में क्या अंतर है? ओके, दहन है दोस्तों वह दो प्रकार का होता है, और वह ज्वाला है दोस्तों वह एक प्रकार की होती है। ओके, दहन में दोस्तों ऑटो से क्रिया कराई जाती है। ओके, और ज्वाला में दोस्तों वह पूरी तरह से जल जाता है। ओके, जिस भी पदार्थ में ज्वाला लगाई जाती है। ओके, उसके बाद देखिए आपको इनका क्या आशय है आपको बताना है। 17वां प्रश्न आएगा आपको, निम्न का आशय स्पष्ट करिए, दो दो नंबर के हैं। ओके, इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों हम इसका उत्तर आपको बता ही देते हैं। रेड डाटा बुक, सभी स्पीसीज जो लुप्त हो गए हैं उनका रिकॉर्ड, ओके, उनका रिकॉर्ड इस बुक में रखा गया है। ओके, कौन सी रेड डाटा बुक? ओके, रेड डाटा बुक, ओके, ये वो बुक है। उसके बाद देखिए आपको जैव विविधता, जैवों में जो अंतर आता है ना, अंतर यानी कि उसकी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, वह जैव विविधता होती है। ओके, उसने जीवन में जो भी काम किए हैं वह सभी जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 18वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो पहला है अमीबा में खाली जगह द्वारा जनन होता है, तो इसमें जाएगा आपका द्विखंडन। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा, अंडाणु व शुक्राणु का संलय नहीं क्या कहलाता है दोस्तों? इसमें निषेचन आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, गाय मनुष्य कुत्ता आदि जंतु शिशु को जन्म देते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? अंड प्रजनन। ओके, क्या जाएगा दोस्तों इसमें? अंड प्रजनन, प्रजनक। उसके बाद देखिए अगला है आपके, मुकुलन द्वारा हाइड्रा में जनन होता है। ओके, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए इसमें आपसे बुझाए दाब और बल का सूत्र ज्ञात करना है। ओके, दाब होता है क्षेत्रफल, बल बटे में क्षेत्रफल। ओके, तो बल होता है ए बटे में क्षेत्रफल। क्या होता है? देखिए बल होता है एफ, क्षेत्रफल ए, और यह हो जाएगा प्रेशर, यानी कि आपका दाब, और बल बराबर होता है एम ए। ओके, यानी कि दोस्तों ये अलग है, तो मैं आपको इनको अलग पेनों से लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर
बराबर में एम ए। तो हम इनके मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। तो संबंध ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों, ये ए है जो त्वरण है और ये ए है जो क्षेत्रफल है। ओके, तो यहां पर इसका संबंध इस सूत्र से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ओके, तो आपको इसमें लगाना है पी बराबर में एफ और इसको गुणा कर देना है। ओके, इसको गुणा करेंगे ऐसे, तो यह जो संबंध का सूत्र आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसका यह क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए उदाहरण, यहाँ पर आप उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे होते हैं। ओके, यह क्या है दोस्तों, एक वस्तु और दूसरी वस्तु के मध्य ओके घर्षण बल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 21वां आएगा, इसको भी आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।